किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमान के पास भी तो जमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत, स्वागत है आपका पॉकेट ट्यूब में। अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें कोई कमी नहीं होगी? हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, परंतु कुछ लोग अपनी कमियों का रोना रोते रहते हैं और कुछ उन्हीं कमियों को अपनी खूबियां बनाकर आगे निकल जाते हैं। ये सब हमारे नजरिए और सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हमारे देखने का नजरिया सकारात्मक होगा तो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। एक बार एक अमेरिकी महिला अपनी समस्या लेकर एक फिलोसोफर के पास गई और अपनी व्यथा सुनाती है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां उसके पास पैसे भी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार उसकी मदद करना चाहता है। पति की दुकान है, वो चला रही है, लेकिन अकेली औरत होने के कारण दो कमजोर सी औरतों को साथ रखा है। बिना पुरुषों के तो काम चलता नहीं है और ऐसे पुरुष प्रधान समाज में औरतों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पुरुषों को साथ रख भी नहीं सकती, उनसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और इस समस्या से निकलने के लिए वो औरत उस फिलोसोफर की मदद मांगती है। तो फिलोसोफर उससे कहता है कि तुम अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना सकती हो, परंतु उसके लिए जरूरत है कि तुम परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलो। आज की परिस्थिति ये है कि तुम पुरुषों को साथ नहीं रख सकती, महिलाओं को साथ रखकर ही काम करना होगा। तो तुम यही प्रचार करो, अपना विज्ञापन दो कि हम जो स्टोर चलाते हैं ये सिर्फ लेडीज ही चलाती है और हम कमजोर औरतों को काम देते हैं और उनकी ताकत बनना चाहते हैं। कमजोर वर्ग की महिलाओं को अपने पांव पे खड़ा होना सिखाना चाहते हैं ताकि वे भी अपनी जिंदगी सर उठाकर जी सके, अपने घर परिवार को अच्छे से पालन कर सके। इस तरह से ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ साथ बहुत सी महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी सिद्ध होगी। उस महिला ने फिलोसोफर की कही हुई बात को अपनाया और अन्य कई महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ा और आगे चलकर उस महिला ने 50 से अधिक अन्य स्टोर खोले। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रॉब्लम्स और कमियां हर इंसान की लाइफ में है और प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ जरूर लाती है। जरूरत है कि हम उस प्रॉब्लम को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हैंडल करें ताकि वो प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी बने और हमारी कमियां ही हमारी खूबियों में परिवर्तित हो जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।